यूपी के जिला रायबरेली में ज्येष्ठ के पहले मंगल को भी मंदिरों के ताले नहीं खुले। इसी कड़ी में लखनऊ रायबरेली बॉर्डर पर स्थित चुरवा मंदिर पर भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन किए। बातचीत में मंदिर के पुजारी ने बताया कि किसी भक्त को भगवान की मूर्ति तक नहीं जाने दिया जा रहा है और न ही किसी को किसी भी प्रकार का प्रसाद चढ़ाने दिया जा रहा है और मंदिर का मुख्य द्वार भी बंद है। सभी भक्त सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मौजूद हूँ रायबरेली लखनऊ के बॉर्डर पर स्थित चुरवा मंदिर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर भी दर्शनों की भारी कमी है और एक एक श्रद्धालु ही भगवान हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भगवान हनुमान जी का जो मुख्य द्वार है जहाँ से भक्त अंदर जाते थे और वो लला के दर्शन करते थे, इसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ के पुजारी और यहाँ की भक्ति समिति ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक भक्त को भगवान हनुमान लाल के दर्शन करने के दिया जा रहा है। अभी मैं पुजारी से बात करता हूँ, देखिए उनका क्या कहना है। आप कहाँ पर आई हैं, कहाँ पर खड़ी हैं? इस बार देश के दर्शन में क्या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या करते हैं घरों में? जैसा कि आप जानती हैं, कोरोना महामारी जो फैल रही है इसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, क्या कहना है? परिचय दीजिए अपना। जी, अनूप अवस्थी, पुजारी हनुमान मंदिर चुरवा। जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन का 53वां दिन जी, और ऐसे में ज्येष्ठ का पहला मंगल भी आ रही है, कैसे आप मंगल की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? जी, मंदिर की व्यवस्था ऐसे कर रहे हैं कि अभी तो जितने दिन लॉकडाउन चला था तब तक मंदिर में ताला बंद था, कोई भक्त घर आता जाता नहीं था। देखा कि लोग परेशान थे तो उन लोगों ने कहा पंडित जी हम दर्शन करना चाहते, हमने कहा देखिए भैया शासन का आदेश नहीं मिला है मंदिर खोलने का, इसलिए क्योंकि मंदिर का मामला था आप लोग बाहर से हनुमान जी का दर्शन सिर्फ कर सकते हो बाहर से, ना मेन गेट खुला है ना ये दूसरा गेट खुला है, केवल बस लोग बाहर से ही आके हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद एक एक सुखारा और दर्शन करके बस उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जी। कुछ नहीं चढ़ाया जा रहा, जब तक ये महामारी चल रही है उसको देखते हुए ना प्रसाद फूल सब पर रोक लगाई गई है, जितना कहा गया भक्तों से आप लोग बाहर से